नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बाबू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साहित्य क्या होती है। देखिए साहित्य क्या होता है, पिछले वीडियोस में हम बहुत ही जो कि बताए हुए थे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के प्रकार, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साहित्य क्या होती है, जो कि टेंथ और ट्वेल्थ के लिए जो कि हिंदी से हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव या उसमें से क्वेश्चन जो आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैं आपको जो कि पूरा नोट्स में तैयार कर लिया हूँ। ठीक है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला है कि साहित्य क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साहित्य क्या होता है। साहित्य समाज का वह दर्पण होता है। ठीक है, साहित्य समाज का वह दर्पण है जिसे समाज की भूत और वर्तमान में होने वाली घटनाओं को देखा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा कि ज्ञान राशि के संचित भंडार को ही साहित्य कहते हैं। देखिए अगर आपको ये लाइन याद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्ञान राशि के यहाँ से ही ज्ञान राशि के संचित भंडार को साहित्य कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस डिफिनेशन को दिया था, ज्ञान राशि के संचित भंडार को साहित्य कहा जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें अगला मेरा टॉपिक होगा कि वर्ण और बहुत सारे उसमें से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, वर्ण और वर्ण के भेद, उसके कितने भागों में बांटा गया है, पूरी जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।